नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए लेकर आ गया हूं यहां पर एक अपडेट। जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से किस राशियों में मुनाफा लिखा हुआ है। कम्युनिटी बाजार में, शेयर बाजार में, सोना चांदी में कितनी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, कितनी मंदी तेजी आज बाजार में देखने को मिल सकती है, कितनी मंदी तेजी के साथ आज मार्केट में उठा पटक देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु .com की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ प्रभात। दिन आपका शानदार जाए, आप हंसते रहें, स्वस्थ रहें और कमाते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ आज का शो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि वो कौन सी राशियां होंगी जिनमें आज मुनाफा लिखा हुआ है, वो कौन सी राशियां होंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है, सबसे पहले आपसे वो जानना चाहेंगे। जी अखिलेश जी, देखिए आज भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की जो 3 राशियां हैं 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, आज उनके लिए दिन मुफीद है, चंद्रमा उनके लिए माकूल है। लेकिन पृथ्वी तत्व की जो 3 राशियां हैं 2, 6, 10 वहां पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वो टाइमली प्रॉफिट बुक कर लें तो बेहतर रहेगा। धैर्य इनकी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत होती है, लेकिन कई बार अत्यधिक धैर्य रखना भी नुकसान का सबब बन जाता है, तो इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच। 3, 7, 11 यह है वायु तत्व की राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दिन आपका अच्छा जा सकता है, आपके लिए शुभ समाचार आ सकते हैं, बाजारों के अंदर आप लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। और 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां यानी कर्क राशि और मीन राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, कितना करूं, रुक जाऊं कर जाऊं, इस तरह की डायलेमा यानी कंफ्यूजन या असमंजस की स्थिति रहेगी, तो बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा बच के चले। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो ये तो हमने जाना था कर्नल अजय जी से कि आज किन राशियों में अच्छा मुनाफा लिखा हुआ है, वो कौन सी राशियां होंगी जिनको किस समय पर ट्रेडिंग करनी है, कितने समय के लिए करनी है और किन राशियों को सावधानी बरतनी है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब कर्नल अजय जी, आपसे बात करेंगे यहां पे बाजार के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि आज कृषि जिन्सों का बाजार, एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा ज्योतिष के आधार पर, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर, और किन कम्युनिटीज में आज बचकर चलना सही रहेगा। बहुत अहम सवाल पूछा है अखिलेश जी आपने, क्योंकि कृषि जिन्सों के अंदर सर्वाधिक वॉलिटिलिटी देखी जाती है और अक्सर कहा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई का समूचा खेल एग्रो कम्युनिटीज के अंदर देखा जाता है। यदि उत्पादन में कमी हो, फसलों को नुकसान हो, तो उसका तुरंत प्रभाव बाजारों में देखा जाता है तेजी के रूप में, और यदि फसलें बहुत अच्छी है तो उसका दाम गिर जाते हैं और उसका भी प्रभाव बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल है वो गवार सीड और गवार गम में खेला जा रहा है। देखिए, गवार सीड की जो लगभग 1 करोड़ से अधिक रिक्वायरमेंट होती है, 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख बोरी की रिक्वायरमेंट होती है गवार सीड में, और इस साल लगभग 25 से 30 लाख बोरी का ही अनुमान लगाया जा रहा है गवार सीड के अंदर। और विशेषकर अभी यदि हम देखें कि गवार सीड के अंदर यदि हम थोड़ा सा ध्यान से भी देखें कि इसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी का जो गवार सीड है यानी व्हाइट कलर का या ब्राउन कलर का, उसकी कमी पूरे बाजारों में देखी जा रही है। और बेमौसम बरसात से और अधिक बरसात से, और पहले तो कम बरसात उसके बाद अधिक बरसात, इस बार गवार की फसलों का जो दाना है वो काला अधिक आया है और वो अच्छी क्वालिटी का दाना बाजार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन NCDX के ऊपर लगातार बहुत तेजी से, तीव्र गति से वॉलिटिलिटी चल रही है और इससे किसानों के अंदर और छोटे और मझोले व्यापारियों के बीच में हड़कंप भी है कि अब होगा क्या।
एक तरफ डिमांड कहती है कि डिमांड बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत अच्छे हैं, कच्चे तेल के अंदर भी तेजी लगातार देखी जा रही है, उसके विपरीत यदि एनसीडी के अंदर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली आती है, लगातार नीचे के टारगेट लगते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन पैदा करती है, असमंजस पैदा करती है। अब होगा क्या, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर बिल्कुल अपना क्लियर मत रखती है कि आज गवार सीट के अंदर तेजी दिखाई दे सकती है, गवार गम में भी तेजी दिखाई दे सकती है, और हमारे आगे क्या गवार सीट में बहुत तेजी होगी या मंदी। आपको याद होगा हमारे पिछले करीबन 5 से 6 महीने पहले एक विशेष एपिसोड किया था हमने अखिलेश जी आपके साथ में, जब गवार लगभग 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और स्पॉट के अंदर तो कई बार 3500-3700 का भी भाव था। हमने कहा था तेज होगा और वो बाजारों के अंदर 6500-7000 रुपए तक का भी भाव देखा गया। तो मुझे लगता है कि आज गवार सीट के अंदर और गवार गम के अंदर तेजी हो सकती है। और दूसरी कमोडिटी जिसके अंदर हम तेजी देख रहे हैं वो जीरा। जीरे के अंदर देखिए उसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है और उसका टेक्निकल भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है, मुझे जीरे के अंदर मजबूती की संभावना नजर आ रही है। और तीसरी कमोडिटी है जो मुझे तेजी नजर आ रही है वो शक्कर यानी चीनी। चीनी के भाव अब तेजी की ओर अग्रसर हो सकते हैं, इसके अंदर जो भी मंदी करने की सोच रहे हैं वो मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, शक्कर यानी शुगर के अंदर चीनी के अंदर तेजी बन सकती है। तो आज हमारी जो पिक रहेगी वो चीनी, जीरा और गवार सीड या गवार गम, इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि आज जो एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है वो रहेगी सबसे पहला आपका ग्वार गम ग्वार सीड, दूसरी रहेगी जीरा और तीसरी रहेगी चीनी। इन तीनों ही कमोडिटीज के अंदर आज अच्छे मुनाफे में रहा जा सकता है और तीनों ही कमोडिटीज़ के अंदर हम देख भी रहे हैं जैसे कर्नल अजय जी ने हमें बिल्कुल अभी बताया कि जो तेजी है वो कायम रह सकती है और कीमतों में पहले से तेजी देख ही रहे हैं। कर्नल अजय जी, यहाँ से अगर बात करें अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की, सोना चांदी कच्चा तेल बेस मेटल्स, तो इनमें से आपको क्या लगता है टेक्निकल फंडामेंटल बेसिस पर और ज्योतिष के आधार पर कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए कि पिछले शो के अंदर भी हमने आपको याद होगा कि यही कहा था पुरजोर शब्दों में कि मुझे बुलियन में कमजोरी नजर आती है और कल बुलियन यानी सोने के अंदर एक मॉर्निंग सेशन के अंदर अच्छी तेजी दर्ज हुई, चांदी के अंदर भी कल फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत अच्छी तेजी दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद एकदम से बाजार ने पलटा खाया और वो पूरी तरह से पिटने लगा और नीचे की तरफ उसने रुख कर लिया और कल लगभग $1,254 के आसपास भी बाजारों में गया और चांदी के अंदर भी बेताशा कमजोरी देखी गई। इसके अलावा बेस मेटल के अंदर कॉपर ने भी नीचे का रुख दिखा दिया। अब एस्ट्रो टेक्निकल के मुताबिक देखिए कि मैं आज बुलियन के ऊपर यानी सोने पर अपना गोल्ड के ऊपर अपना रुख रखना चाहूंगा। गोल्ड के अंदर देखिए $1,850 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। $1,850 की जो एक रेंज है उससे नीचे होते ही गोल्ड के अंदर बड़ी कमजोरी की संभावना बन सकती है, लेकिन एक और तलब है कि आज अभी करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हो रही है। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हम नजर देखें तो उसके अंदर भी बड़ी वॉलिटिलिटी होने की संभावना बनती है। जहां तक एक या दो ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो मुझे गोल्ड के अंदर इस लेवल पे बाइंग नहीं बनती है। यदि किसी के पास यदि बाइंग है तो उसको सावधानी रखनी चाहिए और यदि किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि अच्छे दाम नीचे गोल्ड के नीचे गिर सकते हैं। आज गोल्ड जो है $1,850 से नीचे गिर सकता है, इसमें विशेष ख्याल रखें। और जहां तक बेस मेटल का सवाल है, देखिए बेस मेटल हमेशा से ही बड़ा आश्चर्यजनक नतीजे देता है। यदि कॉपर को हम देखें तो इसमें करीबन 40-45 फीसदी तक का मुनाफा एक साल के अंदर कॉपर ने दिया और कॉपर के अंदर भी यदि बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। उसके लिए आपको हम आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में जब भी हम बात करेंगे तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कॉपर में आज इंतजार करना चाहिए, गोल्ड के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है। और जहां तक क्रूड ऑयल के सवाल है की बात है, वहां भी वॉलिटिलिटी जारी रहने की संभावनाएं बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि सोने चांदी में आज इंट्राडे में कुछ कमजोरी की संभावना बन सकती है, वहीं कच्चे तेल में भी जो वॉलेटिलिटी है वो भी जारी रह सकती है और बिल्कुल वैसा ही हम
फ्यूचर मार्केट में देख भी रहे हैं कि जो सोना है लगातार कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, और आज $1,850 के भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा कर्नल अजय जी का मानना है। इसी के साथ साथ हमने कच्चे तेल में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है, जब से ओपेक प्लस और उसके सहयोगी देशों की जो बैठक हुई है तब से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की डिमांड और सप्लाई को लेकर काफ़ी सारे फैसले आ चुके हैं, और इनफैक्ट इसके आउटपुट घटाने और बढ़ाने पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो मार्केट है अब वो ज़्यादा उठापटक वाली बन चुकी है। कर्नल अजय जी, यहाँ से अगर बात की जाए शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज आपको क्या लगता है, शेयर बाजार में ज्योतिष के आधार पर आज कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, और वो कौन से शेयर्स होंगे जो आज निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे सकते हैं? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले शो का जो हमने क्या इसी चैनल के ऊपर वो उपलब्ध भी है, कल हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कमजोरी की बात कही थी जो कि अक्सर सत्य साबित हुई, और ये भी यदि निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें है तो ये 18,150 के आसपास का जो एक लेवल था उस लेवल पे भी हमने कहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ पॉज नजर आता है, क्योंकि FI जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, DI जो कुछ खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के 18,150 के लेवल पे जो निफ्टी को हमने कहा था कि और अंदेशा जताया था कि यहाँ से कमजोरी हो सकती है, और ये 18,000 से नीचे का लेवल तोड़ते ही 17,950 और 17,980 के जो लेवल्स हैं ये एक परफेक्ट लेवल्स होते हैं बाइंग के। देखिए कि जब भी हम निवेश की बात करते हैं, बाजारों की बात करते हैं, तो दो अहम नजरिया हम लोग अपना देना चाहते हैं कि कभी भी बाइंग जो है वो चढ़ते बाजारों में नहीं करनी चाहिए। यदि आप निवेशक हैं तो आप बाजारों को नीचे गिरने का इंतजार करें, जब आपने रेंज में आ जाए उस वक्त आप उसके अंदर निवेश कर दें तो आपको थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है। लेकिन होता यह है कि तेजी के अंदर हर व्यक्ति तेजी करना चाहता है और मंदी में हर व्यक्ति मंदी करना चाहता है, ये निवेश के नियमों के खिलाफ है। तो जब भी नीचे गिरते हैं उस टाइम अच्छे स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिए, आगे उसको आप देखें तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। और अब निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो नीचे स्तरों के ऊपर जैसे हमें यदि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स मिलते हैं, एंटरटेनमेंट स्टॉक्स मिलते हैं, शुगर सेक्टर के स्टॉक मिलते हैं, टी एंड कॉफी के स्टॉक्स मिलते हैं, इसके अलावा पेंट्स के स्टॉक मिलते हैं, केमिकल के स्टॉक मिलते हैं, स्टील के सेक्टर के स्टॉक मिलते हैं, इन सेक्टर के चंद स्टॉक्स के ऊपर आप नजर रखें और जैसे ही नीचे गिरते हैं उसको अंदर आप धीरे धीरे माल खरीदें तो मुझे लगता है कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि शेयर कौन से होंगे। देखिए टी कॉफी के अंदर टाटा कॉफी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसके अलावा जैसी ट्रीवी और मैगजर रसल के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एंटरटेनमेंट स्टॉक के अंदर आप देखें आइनॉक्स पे नजर रख सकते हैं, वो बड़ा अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बड़ा अच्छा है, जैसे इंडियन होटल है या लीला वेंचर है या ताज GB के है, इन पे नजर रख सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर टाटा मोटर के ऊपर हम लगातार बुलिश पैटर्न दे रहे हैं आपको, टाटा मोटर बहुत अच्छा है, मारुति भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्टॉक्स हैं जैसे पेंट का, आप एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, इनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीदिए, अपने हर सेक्टर के अंदर 2 या 3 स्टॉक रखें तो और उनके ऊपर ही आप बने रहें तो हमेशा मुझे लगता है कि शेयर बाजार से वो मुनाफा कमाया जा सकता है जिसकी कल्पना शायद कोई कर ना पाए। लेकिन अपनी इन सबके साथ में एक बात मैं अखिलेश जी आपके माध्यम से दर्शकों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार हो या एग्रीचीज, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आपका पूर्व अनुमान लगाना, पहला। दूसरा, अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपनी क्षमताओं से जाके जब ओवर ट्रेडिंग आप कोई करता है तो निश्चित रूप से उसमें फायदा तो होता हो सकता है लेकिन नुकसान जब होता है तो वो सह नहीं पाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अपना सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए कि इससे ज्यादा मुझे नुकसान नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉफिट की लिमिट अनलिमिटेड सीमा होती है लेकिन नुकसान की आपको बिल्कुल अपनी क्षमताओं के आधार पर निर्धारित कर लें तो आप हमेशा से इन बाजारों में कमाएंगे। एग्रोजीन्स के अंदर आप देखिए कि सोयाबीन के अंदर जब 5,000 से नीचे था उस वक्त कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तेजी आती है तो सब लोग तेजी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गवार सीट के अंदर जब 4,000 से नीचे था या 4,000 पे था गवार सीट कोई खरीद नहीं रहा था, जब गवार सीट 6,500-7,000 के ऊपर आता है तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं।
तो पॉइंट ये है कि जब आप लोग हमारे शो को आप समझें, हमारे शो को देखें, चाहे प्याज हो, सोयाबीन हो, या स्टॉक मार्केट हो, या फिर एग्रोजीन्स हो, या फिर बुलियन हो, गिरावट पे जब हम बोलते हैं कि यहां से पकड़ो, तो आप अपनी क्षमता अनुसार आप काम करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने की पूरी पूरी संभावना है। एक और चलते चलते आपको मैं कहना चाहता हूं, डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से दी जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का विवेक अध्ययन एवं अपने सलाहकार से भी अवश्य आप सलाह कर लें। हमारा उद्देश्य आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी सदियों पुरानी पद्धति है बाजारों को आकलन करने की, उसकी क्षमताओं को और उसके एनालिसिस को रूबरू कराना है दर्शकों को। निर्णय आपको स्वयं को लेने हैं, और आपको यदि शो पसंद आता है तो इसको लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। अखिलेश जी। जी कनल अजय जी, तो जैसे कि कनल अजय जी हमें आज काफ़ी सारी अच्छी जानकारी दी है एग्री, नॉन एग्री और शेयर बाजार के बारे में भी। उन्होंने बताया कि किन कम्युनिटीज़ में कमाई के मौके हैं, किन कम्युनिटीज़ में कमजोरी की संभावना बन रही है, और शेयर बाजार में कैसे अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकते हैं। और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात भी कही है शेयर बाजार में कि ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग आपको कभी कभार फायदा तो देती है, लेकिन जब नुकसान होता है तो वो झेलने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में देखने को मिल पाती है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, और समय पर हमेशा की तरह जैसे कनल अजय जी कहते हैं कि समय पर अपना मुनाफा वसूल जरूर करें, टाइम डिसिप्लिन इसी के साथ ट्रेड करें। कनल अजय जी, इसी के साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार कुछ कम्युनिटीज को लेकर आ रहा है, आपसे वो सवाल लेना चाहूंगा। दीपक चौधरी जी जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लाल मिर्ची को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि लाल मिर्ची में कहां तक तेजी हो सकती है। देखिए, लाल मिर्च ने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर या पिछले कुछ वीक्स के अंदर बड़ी गिरावट की दर्ज हुई। मुझे लगता है कि यहां से लाल मिर्च के अंदर आने वाले 15-20 दिन के अंदर अब धीरे धीरे सुधार आने की पूरी पूरी संभावना बनेगी, और ये दिसंबर के आते आते मुझे लगता है कि जो परेशानियां निवेशकों ने और व्यापारियों ने लाल मिर्च को लेकर ली थी, उससे उनको शायद निजात मिल जाए, ये मेरा आकलन है। जी, यही से कनल अजय जी, एक और दर्शक जिन्हें जो लहसुन पर जानना चाहते हैं, लहसुन में अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं, खपत बढ़ जाती है, तो क्या लहसुन की कीमतों में भी कुछ इजाफा देखने को मिल पाएगा, आपकी लहसुन पर क्या राय है? देखिए, लहसुन बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटीज मानी जाती है प्याज के साथ साथ में, और इसका जो गणित जो है, यदि आपको याद होगा प्याज पे हमारा एक विशेष एपिसोड आपके साथ ही हमने किया था, जब 500-550 रुपए के हिसाब से प्याज के भाव थे, तब हमने ये कहा था कि मुझे तेजी नजर आ रही है, चाहे उत्पादन की बात करें, चाहे सरकार ने लगभग 2,06,000 मैट्रिक टन का जो बफर स्टॉक बनाया हुआ है, ये कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे तेजी नजर आ रही है, और वही प्याज लगभग 400-500 रुपए क्विंटल का जो प्याज था वो 3,500-4,000 के भाव तक बिका, तो लगभग 6-7 गुना उसकी जो दाम बढ़ गए। लहसुन के अंदर भी चाहे आप कुछ भी इसमें उत्पादन के आंकड़े दें या कुछ भी दें, मुझे अब धीरे धीरे कम लहसुन के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावनाएं संभवतः मुझे नजर नहीं आ रही है। जी अखिलेश जी, कलर जी, यहां से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल जीरे को लेकर आ रहा है कि जीरे का भविष्य कैसा हो सकता है। हालांकि आपने आज इंट्राडे के लिए जीरे में तेजी का आकलन तो कर ही दिया है, भविष्य कैसे रहने वाला कनर जी, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, जीरा जो है उसका अभी थोड़ा सा फंडामेंटल भी थोड़ा सा देख लें, तो इस बार जो जीरे के का जो फसल बनी है वो थोड़ी सी कम बनी है, उत्पादन थोड़ा कम है, रिक्वायरमेंट अब धीरे धीरे खुलती चली जाएगी और माल पाइपलाइन में बहुत अधिक नहीं है, तो कुल मिला के जीरे के अंदर मंदी करना उचित नहीं है, यही मैं कह सकता हूं। और लंबी अवधि के लिए लगातार हमारे शो से आप जुड़े रहिए, हम लोग हर रोज आपको कुछ ना कुछ जीरे के ऊपर भी अपडेट देंगे, तो जीरे के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती है। और आप देखिए कि यदि जीरे को यदि हमारे पिछले 3-4-5 शो आप देखेंगे तो हमने जीरे पर लगातार अपडेट दिया है, जीरे के अंदर हम लोग तेजी की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जीरे के अंदर मंदी करने से बचना चाहिए आज। जी 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 कर्नल अजय जी, एक स्पेशल क्वेश्चन आया आपके लिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबूलाल शर्मा जी जिनका सवाल ग्वार को है,
इनका सवाल है कि गुरुजी से मेरा सवाल है, क्या ग्वार का 2012 वाला दौर देखने को मिल सकता है? बाबूलाल जी, शर्मा जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन, बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आप मत रहे, कमाते रहे, स्वस्थ रहे, हमारी आपसे आपके लिए शुभेच्छा है। देखिए, ग्वार के ऊपर सबसे पहले अलर्ट देने वाला जो चैनल था ये यही था, और सबसे पहले तेजी की बात करने वाला कर्नल अजय ही था। और यहाँ तक 2012-13 की बात है, देखिए 2012-13 के लिए अभी दिल्ली दूर है, हम लगातार अपडेट देंगे। आज की जो हम बात कर रहे हैं कि अभी मुझे ग्वार कम और ग्वार सीट के अंदर तेजी नजर आ रही है, जो कि हमने सबसे पहले शो में कहा था। और ग्वार जब चलता है तो रेल चलती है, हवा चलती है। और एक हमारे शो में हमने एक कहा था, क्या हवा पानी को और ग्वार को कोई रोक सकता है? तो सवाल का जवाब यही है कि नहीं, नहीं और नहीं। ग्वार के अंदर धैर्य रखिए, ग्वार के अंदर सट्टेबाजी से दूर रहिए, व्यापारिक गतिविधियों में शामिल रहिए, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती है। जी अक्षय जी। जी कर्नल जी, तो यानी कि ग्वार में कर्नल जी के अकॉर्डिंग आगे तेजी का ही रुझान है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से आपने हमारे साथ अच्छी अच्छी जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और हमने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी कोई भी रिपोर्ट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।